सर्वेभ्यो नमः को नाम संस्कृतात्मेति विचार्य संस्कृत आत्मा संस्कृतेन आत्मा संस्कृताय आत्मा यस्य संस्कृते आत्मा संस्कृतम् आत्मनि बहुव्रीह् विग्रहा अस्य समस्त पदस्य संभाव्यन्ते एते सर्वेपि यद्यपि ग्राह्या परंतु मनमते मते संस्कृत आत्मा यस्य अथवा संस्कृत मात्मनि यस्येति निर्वचन द्वयी वरी यसी वर्ती अथ किम नाम संस्कृत को नाम आत्मेत्यपि संप्रत्यत्र विमर्श पदवी मधिरोहती अत्र ब्रूमह परिष्कृत्य परामृश्य परिष्कृत्य परामृश्य ज्ञानीभिस्तत्वदर्शिति चित्ते यद् धार्यते तत्त्वं संस्कृतं तत् ततोच्यते सक्तुमिवति तौनापुरंतो यत्र धीरा मनसा वाचा मक्रत इति ऋषेह वचनात् शिष्टैहि ज्ञानीभिः वा संस्कृत्य प्रस्तुतं तत्त्वं संस्कृतं अथ चयां भाषायां तत्व प्रस्तूत है साषापी संस्कृत अभी धा यस्मने संस्कृत ध्रीय यं धारयति यस्य चित्तमिदमाप्लावयति ये अंतकण पावयति अंतरात् यस्य आविष्क सलु खलु संस्कृतात्मा अतः संस्कृता, संस्कृता व्याम इति मया अस्मिन् अवसरे विधीयते आह्वानम् ननु संस्कृतम् यदि भाषा विशेषः सा भाषा मातृतुल्या च पूज्या च तस्या भाषाया वयं सेवकाः वयं तया पोषिताः इति कथम् न संस्कृतसेविका संस्कृतसेवकः संस्कृतसेवी संस्कृताभिमानी इत्यादि सुबोध्यानि पदानि प्रयुज्यन्ताम् संस्कृता शब्द से संस्कृता शब्द से प्रयोगय क्रह प्रश्न अ्रूम सेवा श्लाघ्य भाषा विशेष प्रति अभिम गौरवभा वापंसा प्रशंस प्रशंसा परंतु प्रायश सेवा अंधभ अंधश्रद्धायां च परिणमति मिथ्यागौरवभाविणमती संस्कृत दिनेषु वा मिथ्या मिथ्या आ, अस्माकं शिक्षण संस्था संस्कृत भवति संस्कृते वर्तते इं सर्वासां भाषाणां जननी इं पूज्या रक्षणीया इत्यादि वचासी भाषणेषु आत्मा संस्कृत मनम संस्कृत घोषयों व सो नाम धन्या अस्माकम् समाजस्य कर्णधारा नेत्रभ्रवा बहु षडिण्डीम घोषमुद्घोषयन्ति ते देवालये प्रतिमाया इव संस्कृतस्य प्रतिमाया काले काले पूजनं कुर्वन्ति पश्चात् संस्कृतं विस्मरन्ति नाना प्रपञ्च व्याप्रितत्वात् संस्कृतं तेर् नैव ध्रियते संस्कृतं तेर् नैव धार्यते नते संस्कृतं धारयन्ति नवा संस्कृतं तान् धारयति न तेषां चित्तं संस्कृतं आप्लावयति न वा तेषां अंतःकरणं पावयति न चांतरात्मानं तेषां आविष्करोति ते कथं संस्कृतात्मानः इति वक्तुं शक्यते ते वसुता संस्कृतस्य क्षतिमेव कुर्वन्ति यतो हि देवालये प्रतिमाया इव भाषाया पूजनेन भाषाया विकासो न भवति विकासावरोधश्च शंक्यते च संस्कृतमेव वदामह नान्या भाषा संस्कृतमेव पोषयामह नान्या भाषा संस्कृतमेव तिष्ठतु केवलम भाषा भवतु समग्रे अस्माकं राष्ट्रे इति मिथ्या संस्कृताभिमानः एतादृशीय अवधारणा कुत्रापि अस्माकं प्राचीने संस्कृत साहित्ये न भवति न प्राप्त्यते एतादृशानी वचान्सी अनधीत शास्त्राः अल्पज्ञानिनः उदीरयन्ति समग्रोपि ज्ञाननिधि केवलम एकस्याम भाषायाम विश्रांतः विश्वस्य य अखिलं ज्ञानं वर्तते तस्माकं भाषाया साहित्ये विशिष्य वेदे समग्रस्य ज्ञाननिधे अन्युना अन्युना नति रिक्तता अवस्थितीर यदि मन्यते तर्हि सर्वथा प्रमाण विप्रतिपन्नमेतत यतो हि ज्ञानस्य नाना शाखाः निरंतरं परिवर्धन्ते तदनुश्रत्य कस्याश्चन भाषाया वाङ्मयम् निरंतर मेधते संस्कृत वाङ्मयं निरंतर मेधते एधमान आसीत इदानीमपि एदमानस्तिष्ठति अतः पूर्व विश्रांत सर्वोपि ज्ञाननिधि निधि तत्रैव केवलं तथा एव केवलं प्राप्येत इति यत् कथ्यते इति यदि कथ्यते तर्हि सर्वथा विप्रतिषिद्धं भवति तत् सर्वोपि पिग्याना निति ही एकस्याम कस्यांचन तस्या वाङमय विश्रांत ताहिति तांतह प्रयोग सर्वथा प्रमाण विरुद्ध है तथाही वच्चे एकस्याम भाषायांमेव सर्वं विद्यते सहि वकेवलं ग्राहिया इतरास त्याज्या हि इत्यद्युच्चते परि सर्वथा विवेक विश्वांतमिदं भड़ितं संस्कृत भाषाय भाषापेशा अतितरा समृद्धा संपन्ना चेति भारत देशवासीन वास, सर्वे एना इति विचार सर्वथा अभिनंदन आर्ह सर्वथा स्वागत आर्ह तदर्थ क्रीय ये यत्ना सी तदर्थ क्रीय संरंभा अपि सर्वथा अभिनंद ये नागालैंड वास्तव्या मणिपुर वास्तव्या विदेश वास्तव्या ये सी ते संस्कृत यदि न जानती तरी ते शिक्षता एतत् खलु सर्वथा शोभनम् किन्तु ये नागालैंड वासिनः सन्ति ते स्वकीयां बोडो भाषां परित्यज्य केवलं संस्कृतं वदेयुः अहम् तान् सर्वथा तथा संस्कृत पटून् विधास्यामि यथा तेषां निखिलमपि विश्वं केवलं संस्कृतमयम् इतर भाषा शून्यं च स्यात् इति नागालैंडे अहम् ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे तादृशं संस्कृतं तथा प्रचारयिष्यामि यत् तत्रत्याः सर्वे बोडो भाषा विस्मृत केवलं संस्कृत सदैव व दिष्यती यदि समरम विधीये तुम संस्कृत अंत भाषाया ओपनिवेशिकवादिपत्यवादो व्या महत् चा सिया निंदनी भाव गोरंडेत्र शासन कुरद्भि अस्मकं चेतनासु कपटवशा संचारिता या साम्राज्यवादीधिपत्यवाद रीति कुरीतिर्वा बभूव तस् तीते प्रादुर्भूत तस्या जीवनचर प्रादुर्भूत जीवन प्रादुर वर्त चिंतन एताद आधिपत्यवाद वनभ्यो वा। भाषाभ्य संस्कृत भाषया न कि कवलमुग्रणी उत्तमस्वू आस अस्ति च इति यद्युच्येत तर्हि एतदपि प्रमाणप्रतिपन्नं नास्ति अनुभव विरुद्धमपि वर्तते अस्माकं समेषां ये संस्कृते लिखन्ति रचयन्ति कवयन्ति वा तेषामपि अनुभव विरुद्धोऽयं वर्तते संस्कृते संति प्राकृत देशज भाषाणां नाना शब्दाः तमिल प्रभृति भाषाणाम् अपि शब्दाः न केवलं शब्दाः अपि संस्कृते प्रवाहा अपि संस्कृतप्रवाहेण तत्र सङ्गताः विलसन्ति संस्कृतज्ञानपरम्परा यथा विश्वज्ञानपरम्पराः पोषयामास इति सर्वथा सत्यं वर्तते किन्तु इतरज्ञानपरम्पराभिरपि इयं पोषिता इत्यपि अभ्युपगन्तव्यं वैदेशिकेभ्यः अस्माभिः किमपि ज्ञानं प्राप्तव्यं नास्ति वयं तेभ्यः संस्कृतज्ञानं दास्यामो दातुमर्हा वा इति यद्युच्यते तरी एतदपि सर्वथा पूर्णतया ग्राह्य प्रमाण प्रतिपन्न नवती तथा ही यथा विज्ञान विषयेशु उच्चतराध्ययनाय युवानो युवत्यो वा आंग्लदेशं शर्मण्यदेशं अमेरिका देशं वा क्वचित यूक्रेन सदृशान प्रयान्ति तत्र स्थित्वा अध्ययनं कुर्वन्ति विज्ञान विषयाणां तथैव संस्कृतस्यापि उच्चाध्ययनाय ऊनविंशशतके सुब्रह्मण्यम अय्यर सदृशाः अत्यमेव्ठा तत्र किमपि प्रावीण्य प्राप्य पुनरावृत्य स्वदेश ते अभूतपूर्व कि कार्य करतव एवमे विशतकता बहव मेधावि संस्कृत छात्रा ये विदेशा जग् त्र स्थ्वा अनतिधारणी नैपुणी ते संस्कृते प्राप्त बनता है अतः संस्कृताधित संस्कृताधिपत्यवादों यदि प्रचार्यते परिएतादर्शे न समरंभेन विश्वस्मिन्न न भी विश्वे भाषा विलुप्यन्ते एकस्याम भाषायाम लुप्तायाम तन महती संस्कृतिर विलुप्यते बोडो भाषा नास्ति केवलम भाषा तस्या कापि विशिष्टा संस्कृत तस्याम काम भी विशि का विशिष्टा संस्कृति नहीं था यदि सा लुप्यति तरी तद्गता संस्कृति लुप्येत भाषा संस्कृतियों परस्परम आधाराधेय भावात अथ ताम संस्कृतिम वयम संग्रहालय स्थाप्य जनानाम अवलोकनाय प्रदर्शयिष्यामः इदानीं जनाः शिष्ट भाषया इति यदि चिंत्यते तरी एक चिंतनमी सर्वथा दूषित मनोवृत्ति जनित वरीवर्ती तेन संशीति एकदश संरंभरेतादशिंत पूर्वी अस देश से ना संस्कृत नाशिता संस्कृत संग्रहाल न जीव्य नद्य इव अनवरत प्रवाहेण स्वतो जीवंती सचा संस्कृति नदी नाम प्रवाहो तत्त समाजम ताम ताम जाति मा प्लावयति धारयति जीवयति च भाषायां मरितायां न केवलं तद्गता संस्कृति से विशेषो समूह विशेष भाषां व्यवहरती स्म सोपन शन क्षीयते स्वीयां सत्ता विस्मती असौ समूह असौ सामज संस्कृतमेव मूल मूले रक्ष्यणे सर्व रक्षित सैत्यते अचारु नापि भाषा का भाषाण जननी नवती यथा एकस्या नद्या अन्या नदी प्रायशो नैव निस्सरति तथैव तो एकस्या भाषाया अपरा भाषा नैव प्रादुर्भवति यथा एकस्माद् आम्र वृक्षात् नान्यः कश्चन निम्न वृक्षो वा पारिजात तरुर्वा प्रादुर्भवति तथैव तो एकस्या भाषाया अन्या भाषा जनिम न लभते इति सर्वथा भाषा शास्त्र सम्मतो यम सिद्धान्तः अतः सर्वा भाषा एव यथा मातरा संतति पोषयन्ति तथा ता अस्मान पोषयन्ति वयं च मातृतुल्यास्ता सेवा महे इति संस्कृतात्मा मनुते भारतीय भाषा नाना भाषा वैदिक कालात् जनम विभ्रति बहुदा विवाचसम इति ऋषीणाम् उक्ते अनादि कालादिमा सर्वा भाषा परस्परम उपकुर्वाणा परस्परम पोषयन्त्यः देश से ज्ञान परंपरा संस्कृत नाना धाराश्च धारयंत्य एधयंत्य एधमा धारयंत्य सी एतासु केवल एक संस्कृत भाषा रक्षणी नान्या विचारो भी संस्कृत अपकर्षा क्षयाय वा सैत् न तो उत्कर्षा वृद्ध अतएव स्वभाषा मात्र परिपोषण प्रचारणाग्रह असंस्कृतात्मना विधीये न तो स्वभाषा परिपोषण संरक्षण सर्वभाषा सर्वसंस्कृति साकोषणसंस्कृति सर्वसमाज लक्षण अयचतात्म स्वुक्त जनाना च मुक्त संस्कृत संस्कृत धारयती पोषयती असौ इतरा भाषा व्यवहारे अस इत इतरभाषाण व्यवहारे संस्कृत पोषयती इतरभाषा मध्यम संस्कृत शिक्षय संस्कृत इतर इतरभाषाश्च संस्कृतानुशील शीलन पोषयती अयम पर पोष्यपोषक भाव वर्तृत अनियााभ्य संबंध वर्त है स नकपक्षीय परस्पर पोष्यपोषक भाव त एतादृशस्य संस्कृतात्मनः हृदयं भवति संस्कृतम् तस्य चेतनायां स्पन्दते संस्कृतं तेन स्वत एव संस्कृतं तदीय जिह्वाग्रमारूढं निरर्गलं निस्सरति तस्य भाषा तदीय निर्मल मानसात् श्रुता अन्यान् पावयति यादृशं चित्तं तदीयं निर्मलं भवति तादृशी तस्य भाषा यादृशी तस्य भाषा तादृशी भव्या तस्याभि व्यक्ति रियादृशी तस्याभि व्यक्ति सआद्रश एव पावरतया बलय कश्चनतम परितो विभाति संस्कारवती वाणीतम पावयति अन्यनपि भावयति संस्कारवत्य गिरा मनेषी तया सपुतस्य विभूषितस्य इति कालिदासोक्ते समग्रपि भारतीय परंपरा वा वर्तते संस्कृतात्मा आत्मा वा व्यवहारे अनेन संस्कृतात्मना प्रकाशन न कृत वा न कृत प्रश्न मन्तव्यः यदि तेन प्रकाशन कृत लिखित कि लेखने की तर आत्मन शुचिता तथा निश्चित तस्य मनसी स्वभाषा प्रति बहुमान अनिया भाषा प्रत्यपि स न अभाषा प्रत्यपि न नंचित असौ मंदादर स्वभाषा वैश्विकी निबद्धादश्दृष्टिस्त स्वभाषा निबद्धादर से वैश्विकी दृष्टिस्त संस्कृतात्मनो विरम्य मया सर्वेभ्यो भूयो भूय धन्यवाद नमो नमः